वरना आप एयरपोर्ट से रोते हुए बाहर निकलेंगे। इस इन्फॉर्मेशन को आप ही में से किसी भाई ने मेरे साथ में शेयर किया है। वो पार्किंग एरिया में चला गया तो उधर एकदम सन्नाटा था, दो तीन टैक्सी ड्राइवर मिलके उसका गोल्ड वगैरह छीन लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों मैं जो आप लोगों के साथ में वीडियो रोज़ाना शेयर करता हूँ, उस वीडियो में कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर नया देखने को मिलता है, कुछ नई जानकारी मिलती है, या ये कि उस वीडियो को देख करके आप लोगों को एक अवेयरनेस मिलता है कि आप लोगों को किन चीज़ों से बचना चाहिए। तो आज की भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ में एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ऐसा ना हो कि अगर आप लोग इस प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं उस वक्त आप लोगों के पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक करने वालों को एडवांस में थैंक यू बोलना चाहता हूं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। ये वीडियो खास करके नेपाली भाइयों के लिए है। ये सिर्फ कतर से नेपाल आने वालों के लिए नहीं बल्कि मलेशिया, दुबई, सऊदी, बहरीन, ओमान, जहाँ से भी आप आते हैं नेपाल, उन सारे लोगों के लिए है। तो बाहर की कंट्री में जो नेपाली भाई वहाँ पर काम करते हैं तो उन लोगों के पास में अगर पैसा ज़्यादा होता है तो वो लोग आने के टाइम में क्या करते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं। तो ऐसे लोगों को कतर से या ये के किसी भी जगह नेपाल वापस आते वक्त ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना होगा, वरना आप एयरपोर्ट से रोते हुए बाहर निकलेंगे। इस इन्फॉर्मेशन को आप ही में से किसी भाई ने मेरे साथ में शेयर किया है। अभी मैं आप लोगों को उसकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूं। तो उस भाई ने ये कहा है कि उसका कोई रिलेशन कतर से वापस आ रहा था नेपाल, तो उसने अपने साथ में गोल्ड खरीद करके रखा था। जब वो काठमांडू एयरपोर्ट से बाहर निकला तो उसका गोल्ड वहाँ पर चोरी हो गया। उसका गोल्ड कैसे चोरी हुआ यहाँ पर आप इस ऑडियो में सुन सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम असलम भाई, एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए जो कतर के न्यूज़ बताते हैं ना आप, इसलिए मैं सोचा हूँ कतर से ही ज़्यादातर आदमी गोल्ड वगैरह लेके आता है ना, मतलब दूसरे का भी लेके आता है और ख़ुद का भी लेके आता है अपने घर के यूज़ करने के लिए। तो वहाँ नेपाल एयरपोर्ट पे है ना, अभी तो अपना नेपाल का एयरपोर्ट चेंज कर दिया है थोड़ा, इसीलिए एग्जिट करने के टाइम है ना वो पार्किंग एरिया की तरफ दो तीन रास्ता बना दिया है, तो कोई इधर से कोई इधर से निकल जाता आदमी। तो मेरा एक बहन वही था, वो लेके आ रहा था गोल्ड, वो पार्किंग एरिया में चला गया तो उधर एकदम सन्नाटा था, दो तीन टैक्सी ड्राइवर मिलके उसका गोल्ड वगैरह छीन लिया। उसके बाद कंप्लेन भी किए एयरपोर्ट में जाके, कुछ भी नहीं हुआ, बोला हो जाएगा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वही बकरीद के टाइम आ रहा था, तो वही मैं सोचा आपको बता देता हूँ। कतर का न्यूज़ आप देते ही हैं तो अगर आपको कुछ उसमें हेल्प होने वाला हो तो डाल दीजिएगा इसीलिए। तो दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया कि इसका रिलेशन का आदमी जो कि कतर से नेपाल वापस आ रहा था, काठमांडू एयरपोर्ट पर अभी जो है एग्जिट करने के रास्ते यानी कि एयरपोर्ट से बाहर निकलने के कई रास्ते बना दिए गए हैं। तो इसका रिलेशन जब एक रास्ता से बाहर निकल रहा था तो वहां पर इसका कहना है कि टैक्सी वालों ने मिल करके इससे गोल्ड को छीन लिया। इसके बारे में कंप्लेन भी हो चुका है एयरपोर्ट पर, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला है। जबकि ये बकरीद के आसपास की बात है। इस ऑडियो को उस भाई ने मुझे कल सेंड किया था, कल यानी कि 30 जुलाई 2023 को, और एक दिन के बाद मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं। सोचा कि इसको लेट नहीं करूंगा, हो सकता है कि अगर आप में से भी किसी भाई के साथ में इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी जिसके साथ में इस तरह होगा। अगर मेरी वीडियो से आप में से किसी एक भाई का भी भला हो जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत ऊपर हो गई, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। दोस्तों आप में से जो लोग बाहर से काठमांडू एयरपोर्ट के ज़रिए आते हैं तो उन लोगों को यहाँ पर सजेशन देना चाहूँगा कि वहाँ पर जो भी एग्जिट का रास्ता हो तो आप लोग ये सोच करके कि चलो इस रास्ते में भीड़ है, हम दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं जहाँ पर भीड़ नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। अगर आप एक साथ में दो तीन चार आदमी हैं तो किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप अकेले आ रहे हैं तो हमेशा लोगों के साथ में निकला करें, कभी भी अकेले मत निकलें। यहाँ पर जिस भाई का जो गोल्ड चोरी हुआ है इसके अकेलेपन का यहाँ पर फायदा उठाया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को अकेले नहीं निकलना है बल्कि लोगों के साथ निकलना है या अपने ग्रुप के साथ निकलना है। एक चीज यहाँ पर आप लोग और भी ख्याल रखें, वो ये कि अगर आप लोग गोल्ड लेकर के जाते हैं तो कोशिश करें कि वो आप लोग इस तरह करके न रखें कि वो जो है सबको दिखाई पड़े, बल्कि वो छुपा हुआ होना चाहिए।
अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है कभी, या आपके किसी रिलेशन के साथ में हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर करें। आपके एक शेयर करने से किसी का भला हो जाएगा तो इसका आपको भी अजर मिलेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आगे ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, किसी ग्रुप में शेयर करें, ताकि इस तरह के प्रॉब्लम के बारे में सारे लोगों को पता चल सके और वो लोग पहले से बाखबर रह सके।